और सर बोरओवर्स को लोन प्रोवाइड करती है अच्छा ठीक है आर जैसे हमारे इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक का काम कर रहा है तो ऐसे बाकी कंट्रीज में भी सेंट्रल बैंक होते हैं तो क्या आप मुझे यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम बता सकती हैं सर यूएसए के uh, सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व वेरी गुड तो सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस बताइए सर बैंक ऑफ़ इशू का काम करता है सर uh, uh, जो गवर्नमेंट होती है सर उसके लिए बैंकर और सुपरवाइजर का काम करता है और कस्टोडियन ऑफ सर फॉरन रिजर्व बैंक वेरी गुड बैंक ऑफ इशू का आपने क्या मतलब है इस बात का सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सर उसके पास प्रॉपर मोनोपोल है कि सर वो करेंसीज और नोट्स को इशू कर सकती है वेरी गुड मतलब हम लोग इस काम को नहीं कर सकते कि हम अगर एक प्रिंटर यहाँ लगा लें और नोट्स निकालने लगे ठीक है तो उसको क्या कहते हैं काउंटर फीटिंग ठीक है वेरी गुड ये बताइए ये कैसे पता लगेगा कि कोई नोट जो है वो ऑथेंटिक है सर उस पे सिग्नेचर होते हैं हमारे गवर्नर की। के गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर मिलते हैं उस पे हमें ठीक है कौन है गवर्नर शक्तिकांत दास सर वेरी गुड तो जैसे आपने बताया कि आरबीआई बैंक ऑफ इशू है तो ये बताइए इसमें 1 रुपए का नोट और बाकी सारे कॉइंस क्या वो भी आरबीआई इशू करता है नहीं सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं और

जो आपके मेजर रेट्स हैं सी हो गया एस हो गया बैंक रेट है उनको इंक्रीज किया जाएगा डिक्रीज किया जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए सर इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज करा जाएगा और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज कर वेरी गुड बहुत मनी सप्लाई के बारे में जानती है जी सर वॉट इज मनी सप्लाई सर जितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी पीपल के पास हेल्प करके रखा हुआ है तो सर वो मनी सप्लाई होगा मनी सप्लाई इंडिया में सर एम वन एम टू एम और एम इसमें हाई लिक्विड मेजर कौन सा है सर एम वन भी सर वेरी गुड

ये रोल ऑफ आर वाला है यही पढ़ा हुआ है और भी कुछ आता है आपको मैक्रो में सर मैक्रो पढ़ी चलिए बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है सर जे एम कि कौन कौन से सर इनकम मैथड एक्सपेंडिचर मैथड और वैल्यू एडेड मैथड नेशनल इनकम को कौन से एग्रीगेट से आप डिनोट करेंगे सर वेरी गुड अच्छा अगर हम इनकम मैथड की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है सर कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस इनकम वेरी गुड इससे कौन सा एग्रीगेट मिलेगा आपको सर एनडीपीएफ सी वेरी गुड ये बताइए मल्टीप्लायर के बारे जानती। Sir, uh, uh, okay. very good, very good. में जानती हैं इज मल्टीप्लायर सर हमारी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है ओके वेरी गुड वेरी गुड फॉर्मूला क्या है इसका सर इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वेरी गुड टाइक्स में इसका आंसर मिलता है एम और एम के बारे में बताइए कुछ सर इनका एक बेसिक रिलेशन होता है ठीक है है व्हाट इज MPC? MPC, uh, सर सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आपकी जो इनकम उस हिसाब से कितना कंज्यूम कर रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड अच्छा मल्टीप्लायर का और एम पी सी का आपस में रिलेशन कैसा है मतलब इनवर्स है या डायरेक्ट है सर डायरेक्टली रिलेशन तो क्या मतलब वो इस बात का डायरेक्ट रिलेशन का सर अगर एम पी सी बढ़ेगा तो हिसाब से मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा वेरी गुड और एम पी एस का और मल्टीप्लायर का रिलेशन क्या बहुत शाहिए पढ़ाई तो करिए आपने थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप सॉल्व पूछ रहे हैं ये बताइए फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अगर पूछा है तो वॉट करेंसी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी है सर वो फॉरेन करेंसी ओके okay. ये बताइए जरा कि जो आर बी आई की हमारी बात चल रही है तो आर बी आई की पॉलिसी अप्लाई करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या मनी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं उनसे सर मॉनिटरी पॉलिसी का वेरी गुड अच्छा डियर मनी पॉलिसी क्या होती है सर जितने भी रेट्स होते हैं सर आर बी आई उनको इंक्रीज कर देती है ताकि इजीली लोन प्रोवाइड ना हो और चीप मनी पॉलिसी सर उसमें डिक्रीज कर देती है इजीली प्रोवाइड हो जाता है थैंक यू सर